नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारा बरेली चैनल में। और मेरा नाम है सुनील। और आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड बाद ये वीडियो मैंने बनाई है, क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो गई थी। आप समझ सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं पर्सनल प्रॉब्लम क्या थी। और अब मैं जो मेरी वीडियोज़ हैं वो रेगुलरली वीडियो आया करेंगे, और आपको मैं निराश नहीं करूँगा। बट आप समझ सकते हैं कि पर्सनल प्रॉब्लम क्या हो सकती है। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, उस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अयूब खां चौराहे से चौकी चौराहा तक का वीडियो कवर करने वाले हैं। इसमें इस रोड पर आपको जो भी नए चेंजेस मिलेंगे वो हम इस वीडियो में बताएंगे, और क्या क्या नए शोरूम्स ओपन हुए हैं वो भी हम बताएंगे, और इस रोड के सारी अपडेट्स हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो हमारे वीडियो पर आप बने रहिए और चलते हैं सीधे अयूब खां चौराहा। और लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं एमआई और सैमसंग और महिंद्रा का शोरूम आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और आगे जाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर खन्ना एंटरप्राइजेस मिल जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, और सेकंड फ्लोर पर आपको यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा भी देखने को मिल जाती है। और हम आगे की बात करें तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में सोनी के शोरूम्स मिल जाते हैं यहाँ पर, और हिंद टाकिज है तो आप देख सकते हैं कितना पुराना बना हुआ है ये। और आगे जाकर आपको यहाँ पर छोटे छोटे आउटलेट्स मिल जाते हैं, और रिलैक्सो का शोरूम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और आगे जाकर आपको यहाँ पर मिलता है लेफ्ट हैंड साइड में रिलायंस डिजिटल का शोरूम्स आपको देखने को मिल जाता है, पेंटालूंस भी देखने को मिल जाता है, और राम कुमार अग्रवाल ज्वेलर्स का शोरूम भी यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है। और आप देख सकते हैं आगे स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर, और ये पूरा होते ही यहाँ की रोड बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको ग्लोरी स्वीट्स का भी शोरूम देखने को मिल जाता है। और बात करें यहाँ की ग्रीनरी के बारे में, तो आप देख सकते हैं वीडियो में ग्रीनरी कितनी अच्छी मेंटेन की गई है इस रोड पर। और इसी रोड की यही खास बात है यहाँ पर कि क्यों यहाँ पर पेड़ कितने अच्छे तरीके से लगाए गए हैं, और ग्रीनरी को यहाँ पर कितना ध्यान रखा गया है इस रोड पर। और हम आगे की बात करें तो आप देख सकते हैं अशोका फोम की बिल्डिंग्स यहाँ पर नज़र आ जाती है। और इसका जो मेन गेट है वो मैं आपको बता दूँ, इसका मेन गेट आगे की तरफ से ये आप देख सकते हैं, इसका मेन गेट है अशोका फोम का, और इसी के सामने ही आपको मिशन हॉस्पिटल देखने को मिल जाता है जो कि मिस्टर उमेश गौतम जी से है, मिस्टर उमेश गौतम जी का है। और आगे आपको यहाँ पर संजय एंटरप्राइजेस का शोरूम भी देखने को मिल जाता है, और इसकी दूसरी दुकान जो मैं आपको बता दूँ इस्लामिया मार्केट में है इसकी दूसरी दुकान। और लेफ्ट राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर पेट्रोल पम्प देखने को मिल जाता है, और सामने की तरफ आपको यहाँ पर चर्च देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना है। और आप देख सकते हैं आगे राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर बटलर मिल जाता है जो कि फर्स्ट गेट यहाँ का इसी से है, और आगे जाकर इसका एक और गेट है। और मैं आपको बता दूं आगे जाकर ये चौकी चौराहे से रोड मिल जाती है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड लाइट है, रेड लाइट ग्रीन होने के बाद आप देख सकते हैं ये पूरा चौकी चौराहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर चौकी बनी हुई है। तो बस आज का बस यही अपडेट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे कमेंट्स में आप बताइए कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। और दूसरी बात यह है कि आप जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है वो आप हमें बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर होने चाहिए बरेली में, और क्या बरेली में और भी ज़्यादा अपडेट्स हुए हैं वो हमारे कमेंट्स में आप जाकर बता सकते हैं, ताकि हम बाकी वीडियो बनाएं और दर्शकों को हम दिखा सकें बरेली की अच्छी चीज़ें। तो बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।